हेलो बीटीसी दाना ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं सोमवार के पॉडकास्ट की विशाखा के साथ। जीएमटी 5:30 पर सोमवार के मार्केट अपडेट्स, 4:30 पर यूएस के लिए एफओएमसी सदस्य बोस्टिक भाषण, 5:20 पर जापान के लिए मौद्रिक नीति बैठक मिनट्स, 6:00 जापान के लिए अप्रैल में सेवाएं पीएमआई, 18:00 पर कनाडा के लिए मार्च में मासिक बिल्डिंग परमिट, 18:15 पर यूएस के लिए एफओएमसी सदस्य भाषण, 18:30 पर यूके के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी सदस्य सैंडर्स भाषण, अगले दिन न्यूजीलैंड के लिए अप्रैल में मासिक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खुदरा बिक्री, अगले दिन यूके के लिए अप्रैल में वार्षिक बीआरसी खुदरा बिक्री मॉनिटर और अगले दिन जापान के लिए मार्च में मासिक घरेलू खर्च। आइए अब जानते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक नीति समिति के सदस्य सैंडर्स का बोलना कैसे महत्वपूर्ण है। बैंक ऑफ इंग्लैंड मौद्रिक नीति समिति के सदस्य माइकल सैंडर्स ऐसा कहते हैं, बीओई एमपीसी के सदस्य बेंचमार्क ब्याज दर निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनके भाषणों में अक्सर मौद्रिक नीति की भविष्य की संभावित दिशा के संकेत होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज पर, जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी। सो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।